करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 में डाउट, सबने ट्राई की? 2 में डाउट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, सबका हो गया? इसमें प्रश्न आ रहा है, इसका आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है। आपने पॉइंट यहां पे लिया, इसके बाहर लिया कि अंदर लिया? नहीं, गलत आएगा ही नहीं अंदर। देखो, उसने कहा दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और क्यू बाई टू, और दोनों के बीच में दोनों की पोजीशन गिवन है 0 और a, 0, 0। आपको क्या निकालना है? पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब पॉइंट ये है कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर मैं एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज क्यू बाई टू लूँ, तो मान लो यहाँ वो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैंने प्लस वन रख दिया, तो माइनस प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट, और प्लस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में कैंसिल नहीं करेंगे, तो आंसर नहीं आ सकता। तो अपने को वो पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा? बाहर लेना पड़ेगा। क्यों? जब प्लस वन रखा तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। हाँ, अब इन दोनों को इक्वेट करके आंसर आएगा। तो आपने ये पॉइंट कितनी दूरी पे लेना है? एक्स, और ये डिस्टेंस क्या है? ए। तो आप यहाँ से क्यू बाई टू जब इसे रिपेल करेगा, तो 1/4πε0 क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और माइनस क्यू की वजह से 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। तो इन्हें इक्वेट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोगों का फोर्थ हो गया? हो गया, डाउट है इस क्वेश्चन में ना, दो बार क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्यों? उसने बोला दो चार्जेस हैं 4q और q, और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ l, और वो कह रहा है कि कैपिटल Q हमने प्लेस किया सो दैट थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, और इस पे भी नेट फोर्स 0। अब क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं कि ये चार्ज की डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एक्स कितना है। तो अगर ये मैंने एक्स लिया, ये एल माइनस एक्स हो गया, जहाँ मुझे ई निकाल, यहाँ पर मुझे फोर्स निकालनी है, तो ये इसे रिपेल करेगा और ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, इन्हें इक्वेट करके एक्स तो आ गया। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से आई, कितनी आई? 2l/3 आई। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन है 2l/3 फ्रॉम -4q/9। अब ये कैसे आया? ये चार्ज तो गिवन भी नहीं है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब इस चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए फिर से सेम डायग्राम बनाया, इस बार स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम इसका बनाया, क्योंकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, तो इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बार मुझे इस स्मॉल क्यू का इक्विलिब्रियम बनाना है। तो स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम में कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा और 4q क्यू को रिपेल करेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, इक्वल टू 0 होगा, सॉल्व करके 4 जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व करके 4 जाएगा। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है, पहले इक्विलिब्रियम में आपको x पता लगेगा, दूसरे इक्विलिब्रियम में आपको चार्ज पता लगेगा। क्यों? नहीं तो आपको ये डिस्टेंस मालूम नहीं पड़ेगा कि ये चार्ज कहाँ से आया, किस डिस्टेंस से आया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? नॉर्मली हम अपने क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में कैसे करते हैं, या तो हम एक्स निकालते हैं या हम चार्ज निकालते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर एक्स भी निकल रहा है और चार्ज भी निकल रहा है, इसलिए दो इक्विलिब्रियम बनाने पड़ेंगे इसमें। ठीक है यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर। क्वेश्चन 2 में एक डाउट था। क्वेश्चन 2 में बोलो सर, उसमें डायमीटर 5 दे रखा है, तो मतलब हमें r5 बट नहीं लाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 में डायमीटर 5 दे हुआ है। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेकडाउन एट ई की वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये कह रही है कि यहाँ पर आधा डिस्टेंस ही आना चाहिए 5/2, ये 5 क्यों आया? तो डायमीटर से 5 क्यों, तो रेडियस आना चाहिए था, वो कह रही है। पहले एक बात को समझो, एयर ब्रेकडाउन क्या होती है? एयर के एटम्स हैं, एयर एक इंसुलेटर है, करंट उड़ के
आपकी तरफ नहीं आ सकता, ये चार्ज उड़ के हवा में जाता नहीं है क्योंकि एयर इंसुलेशन है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो एयर के अंदर एटम्स हैं, प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो खिंच जाएंगे, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन हम करते हैं, वो खिंच जाते हैं और वो टूट जाती है, और एयर के अंदर से चार्ज पास हो सकता है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हाई चाहिए, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं हो सकता, बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मतलब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हाई चाहिए कि बिजली कड़कनी स्टार्ट हो जाए, बिजली कड़कना इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, हवा के अंदर बिजली उड़ती आती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, चार्जेस आ रहे हैं, वो एयर को तोड़ती हुई आ रही है, तो ये एयर ब्रेकडाउन है, नॉर्मल नहीं होता, बहुत हाई चाहिए। तो इसमें वो कह रहा है कि ई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, डायमीटर का चक्कर नहीं है इसमें, वो कह रहा है कि मेरे को इसमें 5 मीटर दूरी, 5 मीटर दूर मुझे पता है कि अगर कोई एयर का या जो भी इसमें डायमीटर गिवन है, स्फेयर है जो भी डायमीटर 5 मीटर है, तो मुझे कितना चार्ज उसको देना है ताकि ई की वैल्यू इतनी आ जाए। अब मैंने इसमें क्या किया कि ई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वो चार्ज निकालना है। अब आर का मतलब यहाँ पर रेडियस नहीं है, आर का मतलब डिस्टेंस है। अब 5 मीटर डायमीटर है, 5 मीटर दूर कहीं पर भी ई एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्फीयर का कोई फॉर्मूला लग रहा है कि चार्ज सेंटर पे है, नहीं चार्ज सेंटर पे नहीं है, 5 मीटर की दूरी पे कहीं तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है, इसलिए 5 फुट किया, यहाँ पर रेडियस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं कहूँगी 5 मीटर दूर कहीं पर भी एयर ब्रेकडाउन हो जाए, तो 5 मीटर दूर जितना भी ई एग्जिस्ट करेगा उसके अंदर एयर एयर ब्रेकडाउन होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस पुट किया, रेडियस में पुट किया। ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि इंसुलेशन प्रॉपर्टी ई की वैल्यू गिवन है। चलो एक चीज देखो, अगर मैं ये मानता हूं कि एक स्फेयर लिया मैंने, एयर का वो ले लिया मैंने, एयर का मैंने जो भी इसमें एक स्फेयर ले लिया और जिसका डायमीटर 5 मीटर है, तो आपकी बात मैंने मान ली कि 5/2 हो गया, डन, ठीक हो गया। इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है, पहली बात तो मैंने आपको ये करवाया ही नहीं है कि एक स्फेयर के ऊपर ई की वैल्यू होती क्या है, मैंने तो पॉइंट चार्ज ही करवाया है, और पॉइंट चार्ज में ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r². मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि ई की वैल्यू आपको इतनी गिवन है और मैक्सिमम चार्ज दैट इज गिवन टू अ स्फीयर, तो क्यू को कितना चार्ज दूँ ताकि डायमीटर उसका 5 मीटर है और एयर का ब्रेकडाउन हो जाए। अब एयर का ब्रेकडाउन कैसे होगा, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में पड़ा होगा ये एटम, तभी एयर का ब्रेकडाउन होगा ना, अपने ही चार्ज के साथ कैसे होगा, तो अपना ही चार्ज अपना ही फील्ड प्रोड्यूस करके अपने आप को नहीं तोड़ता, तो आपको एक्सटर्नल ई देना पड़ता है। तो उसने वो कहा कि एक्सटर्नल ई की वैल्यू इतनी है, तो मैं इसे ऐसे इंटरप्रेट कर रहा था कि 5 मीटर दूर, 5 मीटर दूर अगर आपको ई की वैल्यू एग्जिस्ट इतनी करती है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, चाहे 5 मीटर इधर चाहे 5 मीटर इधर या इधर, तो जो भी एयर के पार्टिकल बीच में आते हैं तो वहां पर हम ई की वैल्यू को पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², वहां से बस आंसर आएगा। हाँ वो अलग बात है, एक अगर स्फेयर, आज हम करने वाले हैं, अगर एक स्फेयर है और स्फेयर का रेडियस आर है और ये क्यू है, तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर ई का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम ही होता है, Q/r². तो हो सकता है कि ये इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करता हो कि एक स्फेयर, एक उसने एटम ले लिया एयर का और इसने स्फेयर का रिजल्ट लगा दिया ई का, कि एक चार्ज मैं कितना क्यू दूँ और आर डिस्टेंस जो आप कह रहे हो 5/2 से आंसर आ रहा है, तो 5/2 से आंसर आ रहा होगा, मुझे मालूम है, चेक नहीं किया, तो 5/2 यहाँ पुट करके उसने ई की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू निकाल दिया। पर एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस एटम को रखना होता है ताकि आप क्या कर सको, उसको ब्रेक कर सको। तो ये ब्रेकडाउन का जो क्वेश्चन है वो आने वाले टाइम में हम करेंगे, पोलराइजेशन का टॉपिक है, मैं उसमें सिखाऊंगा कि ब्रेकडाउन कैसे होते हैं और मैथमेटिकली कितना ई अप्लाई करने से कितना ब्रेकडाउन होता है, तो ये उस टाइम आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ना हमने अभी स्फेयर्स किए हैं ना हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो अभी 2 मिनट के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, तो जब ब्रेकडाउन्स करेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा बताओ, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 5 में या 6 में डाउट, 5 हो गया था, हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 लंबा बहुत है, कितनों का हो गया 6? देखो 6 के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा ना इसमें क्या करना पड़ेगा,
इन द फॉलोइंग फोर सिचुएशंस चार्ज पार्टिकल्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये ना चार्ज जो भी तीन चार्जेस हैं वो इक्वल डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये आर है। तो क्वेश्चन है कि आपको अरेंज करना है कि अगर मैं सेंटर के ऊपर ई निकाल लूँ तो किस में ई ज़्यादा आएगा, किस में ई कम आएगा। तो जहाँ ई निकालना है वहाँ प्लस वन रखेंगे, 5q+1 को क्या करेगा, रिपेल। तो e की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 5q/r2, ये e आ गया। 2q+1 को क्या करेगा, रिपेल, 1/4πε0 2q/r2। -3q+1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो 1/4πε0 3q/r2। तो क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे वेक्टर को तो सब कुछ कॉमन है, 3q+2q क्या हो जाएगा, 5q। तो एक ई यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, तो इनका क्या आएगा, वेक्टर सम, √e² + e² एक आंसर आ गया। फिर आप सेकंड केस में करोगे प्लस वन, तो प्लस -3q+1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, 2q+1 को क्या करेगा, रिपेल, -q+1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो फिर से वैल्यूज को ऐड करके इसके साथ वेक्टर सम निकाल लेंगे। फिर उसी तरीके से प्लस वन रखेंगे, प्लस क्यू प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल, -2q से क्या करेगा, अट्रैक्ट, ऐड करके आंसर आएगा। ऐसे ही अगर ये प्लस वन है तो -q+1 को अट्रैक्ट और 3q+1 को रिपेल, ऐड करो। तो आपने सारे ई निकालने हैं, फिर अरेंज करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आर डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी लेते जाएंगे आपका आंसर आता जाएगा इसमें। तो आर भी डिस्टेंस कोई भी आर ले लो, वहाँ से कंपेरिजन होता जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम ही निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7th में देखो, 7th में एक्चुअल में जिन्होंने किया, क्या वो बता सकते हैं कि -5q के अलावा क्या कोई और आंसर भी आ सकता है, सोचें। मैं इतना ये बताता हूँ, क्वेश्चन है कि q q q q चार्जेस पड़े हैं, मैं यहाँ कितना चार्ज रखूँ ताकि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 6E हो जाए, 6E हो जाए, और एक चार्ज यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ ई, सिंगल चार्ज का ई है, सभी चार्जेस का क्या आना चाहिए, 6E, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर वन, ये चार्ज यहाँ पे ई लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लस वन रख दिया टुवर्ड लेफ्ट, ये चार्ज ऊपर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, अकेला इसका बचा इस तरफ ई, तो ई की वैल्यू क्या बची मेरे पास, इस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस दूर ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4πε0 q/r2। तो मैं यहाँ पे -5q चार्ज रखूंगा ताकि -5q+1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो आंसर क्या आएगा, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड 5q/r2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 6q/, तो 6E आ जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? 6E की वैल्यू तभी आएगी जब -5q चार्ज होगा, तो एक आंसर आ गया। क्या इस ऑप्शन को छोड़ दें, क्या कोई और चार्ज प्लेस कर सकते हैं, आंसर सेम आए, 7q, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 7q पुट करूँ तो बाकी तो कैंसिल हो गए, तो क्यू का ई और 7 ये रिप्रेजेंट करेगा ई, और ये क्या करेगा, 7E, 7E में से ई गया तो 6E इधर आ जाएगा। वो ऑप्शन में नहीं है, बात अलग है, अगर होता तो 7Q भी हो सकता था। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 10th में GP बनेगी। वो कह रहा है कि इनफाइनाइट चार्जेस हैं जो कि x=1, 2, 3, 4 और इन पोजीशन पे पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर मुझे E निकालना है, ओरिजिन पे मुझे E निकालना है, और क्यू चार्जेस यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो जहाँ पे मुझे E निकालना है वहाँ चार्ज कितना रखना है, +1। तो ये q+1 को क्या करेगा, रिपेल, ये q+1 को क्या करेगा, रिपेल, और ये क्यू भी क्या करेगा, रिपेल, तो सारे E लेफ्ट की तरफ है। तो इस क्यू का यहाँ पर ई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4πε0 q/1², इसका क्या होगा, q/2², उसका क्या होगा, q/4² up to infinity। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल के
तो ये क्या बनी जीपी। जीपी क्या होती है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे 1/4, नेक्स्ट को इससे डिवाइड करेंगे 1/4, हर बार 1/4। तो ऐसे केस में अगर ये इनफाइनाइट जीपी है तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है आर डिवाइडेड बाय 1 - a। तो इसके अंदर सॉरी इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, एस इन्फिनिटी इज ए डिवाइडेड बाय 1 - r। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 1, आर का मतलब है रेशियो, इनकी कॉमन रेशियो क्या है 1:4। पुट कर लेना आंसर, ठीक, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक?